सपा युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष का कौशाम्बी आगमन पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। कौशाम्बी में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के युवजन सभा प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी का आगमन हुआ, जिसमें जिलाध्यक्ष दयाशंकर यादव की अगुवाई में युवजन सभा के जिला अध्यक्ष चंद्रजीत यादव, जिला महासचिव साकिब शेख, जिला सचिव अविनाश सोनी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उनके सम्मान के लिए उनको रिसीव करने करनार बॉर्डर पर पहुंचे और वहां स्वागत किया। उसके दौरान प्रदेश अध्यक्ष का कौशाम्बी में जगह जगह पर फूलमालाओं से भव्य स्वागत हुआ। स्वागत समारोह के दौरान प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे काजीपुर, जहां युवजन सभा के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत यादव के गेस्ट हाउस एवं कार्यालय का अपने हाथों से फीता काट कर उद्घाटन किए एवं बाती चोखा का कार्यक्रम में खाना खाकर एक चौपाल लगाया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा बताया कि भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों को गुमराह कर रही है, किसानों के साथ तीन काला कानून लाकर अन्याय कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के हालात अच्छे नहीं है, नौजवान आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहें, देश की आजादी और खुशहाली में समाजवादियों का हाथ रहा है। छोटे लोहिया और जनेश्वर मिश्र ने संसद से लेकर सड़क तक हमेशा गरीबों की बात की है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए सड़कों का जाल बिछाया है, जिसको वर्तमान की योगी सरकार केवल फीता काट कर नाम कमा रही है। कौशाम्बी से सुनील साहू की रिपोर्ट, प्राइमिटी न्यूज। अध्यक्ष जी, आज आपका कौशाम्बी भ्रमण है, ये किस मुद्दों के साथ आज का आपका कौशाम्बी भ्रमण कार्यक्रम है? सबसे पहले तो समाजवादी युवजन सभा यूथ संगठन अध्यक्षों के कमेटी का विधानसभा ब्लॉक सारे कमेटियों की समीक्षा जी, और हमने समीक्षा किया अपने संगठन की, और समीक्षा करके अभी कई गांवों में गए हम लोग, ये अंतिम जगह आए हैं जहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ। इस गांव के लोग आए हैं, समाजवादी किसान गांव घेरा जो चौपाल चल रही है किसान आंदोलन के समर्थन में माननीय अखिलेश यादव के आह्वान पर, उसी के तहत यहाँ आए हैं। और यहाँ पे किसानों का जो गांव घेरा चौपाल होता है, इस अलाव के चारों तरफ से घेर करके गांव के नागरिक बैठे हैं, इनके साथ हम चौपाल करेंगे, इनसे बात करेंगे कि कैसे इस देश की पूंजी भरी सरकार, हिटलर शाही सरकार, अडानी और अंबानी के इशारे पे देश के किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा कर रही है, और दिल्ली को चारों तरफ से घेरने वाले किसान, जो पंजाब से किसान आ गए सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, दिल्ली यूपी गेट बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे आकर के दिल्ली को जिस तरह से चारों तरफ से किसानों ने घेर लिया है, वैसे ही हम लोगों ने भी घेरा बना करके यहाँ उस पर चर्चा करेंगे कि किसान की सही मांग, जायज मांग, MSP की गारंटी जो मांग रहा है किसान, किसान बस इतना ही तो कह रहा है कि हमारा जो MSP जो तुम निर्धारित करते हो बेईमानी के साथ, जो निर्धारित करते हो वही बेईमानी की MSP का जो निर्धारण करते हो उसकी गारंटी दे दो कि हमारा धान 1868 रुपया का है तो 1868 रुपया हमको मिले, अगर उससे कम में कोई लेता है तो उसके ऊपर FIR। जैसा कि अखिलेश यादव लगातार किसानों के समर्थन में संघर्ष कर रहे हैं, तो 2022 में ये कहां तक मुद्दा जाएगा? नहीं, 2022 चुनाव की तो हम तैयारी कर ही रहे हैं जी, लेकिन अभी तो वर्तमान में किसान आंदोलन है और महत्वपूर्ण आंदोलन है। देश के किसानों के साथ धोखा करना, देश के किसानों को उद्योग चंद उद्योगपतियों का गुलाम बनाना, अडानी अंबानी का गुलाम बनाना, देश के साथ धोखा है, राष्ट्र के साथ धोखा है, मां भारती के साथ धोखा है, भारत के साथ धोखा है, और यह धोखा बर्दाश्त करने वाला नहीं है किसान। किसान जिस तरह से अड़ के लड़ रहा है वहाँ, इसी तरह से नौजवान किसान सारे लोग धीरे धीरे गांव गांव में घूम के समाजवादी पार्टी ऐसे ही समझा रही है और लड़ने का काम कर रही है। जैसा कि वर्तमान में योगी सरकार रोड वगैरह बहुत अच्छी बनवा रही है, लेकिन रोड कहाँ से कब डाइवर्ट हो जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जाता, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब आपको हो सकता है कि दिखा हो उनका योगी सरकार का रोड बनाना, हमारी सारी रोडें हमारी, हाँ एक कौशाम्बी के आप रहने वाले हो, कौशाम्बी में मैं हूँ, तो उत्तर प्रदेश के जो PWD मिनिस्टर यही के कौशाम्बी के रहने, हो सकता है कि दो चार रोड पास करा दिया, लेकिन कहीं रोड नहीं पास करा रहे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी कि एक्सप्रेसवे बना, समाजवादी पार्टी की सरकार थी कि आप बाबतपुर से भदोही वाला रोड देख लो, सोनभद्र वाला रोड देख लो, आप प्रदेश के किसी भी कोने में जाओ, 4-lane road, 2-lane road, अभी आप जाओगे वहां से बनारस से
प्रतापगढ़ होते हुए वहाँ रानीगंज होते हुए वहाँ पे रायबरेली वो रोड देख लो, प्रदेश के किसी भी कोने अच्छी अच्छी सड़कों को किसी ने बनवाया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया। इन्होंने क्या किया, हमारी हम जिन योजनाओं को स्वीकृत किए थे और उनको लगा एकदम जनमानस का दबाव हुआ कि जनता इनसे नाराज हो रही है, उस रोडों पे अभी कुछ पैसा इन्होंने दिया है, हर रोडों पे इन्होंने नहीं दिया, उसको रोक के रखने का काम किया। जैसा कि पूर्व में सपा की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, और इस समय वर्तमान में भाजपा की सरकार है और सपा शासन काल से ज्यादा